अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, सब चीज़ को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे जिनको आता है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को आता होगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है, एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे, जो हमारे रियल लाइफ में चलता है उस तरह से, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आए और कभी ना भूलें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए कि जैसे यहाँ पर 140, 156 या जो भी नंबर दिया हुआ है, उसको क्या करना है, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे होता है, थोड़ा सा जब पेज पीछे पलटिएगा, तो यहाँ पर जब एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है, तो एक शुरू होता है 1.3, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसको आप बारीकी से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर एक एक चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अभी आपके पास वक्त भी है तो उसका यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि अभी जो वक्त है ना मार्च का, यहाँ से आप जितना अच्छे तरीके से इसमें टाइम बिताएंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। जितना इजी वे में समझेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाई करने में मन लगेगा, ठीक है। सिंपल सा बात, बहुत सारा चीज़ है, इसको देख के डरिए मत, सब चीज़ बताएंगे अभी। देखिए, जैसे आप जानते हैं, वही चीज़ को दोहरा रहा है कि 2 इज इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल होता है। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होता है, ये है क्या, देखिए बता रहा है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ये सही बात है कि 2 इज इक्वल टू 2 होता है, होता है। ये बाएं साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ये क्या है, राइट साइड, राइट हैंड साइड, ओके। क्या इसके बराबर है 2 के बराबर 2? जी बिल्कुल बराबर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे करके समझाया गया कि भाई साहब आपको यहाँ पर उसी तरह से काम करना है, एकदम छोटा सा चीज को लिया गया है। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा, क्या यहां लिखा हुआ है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 का मतलब 4 होता है, 2 2 जा 4, तो ये बिल्कुल बराबर है, सही बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या हम 4 को 1 इंटू 4 या 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? लिखना यहाँ पर जो बुक है चाहता तो ये भी लिख सकता था, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं लिखा? देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अर्थमेटिक है ये यही है, 2 4 11, यानी कि ऐसा नंबर जो नेचुरल हो। देखिए, हमने ऐसा वीडियो बनाया है वो है, लेकिन हिंदी मीडियम है, जैसे रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बताया है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजाइट नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब चीज़ बताया है। आप उसको एक बार ज़रूर से देखिएगा, पूरा बेसिक जो है ना आपका एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, आप थोड़ा सा माइंड में मेकअप करके रखिए कि आप पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं? प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं, ओके। माइंड में क्या आपके पास आ रहा है, सबसे पहले अभी थोड़ा सा इसको पेंडिंग में रखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। जैसे हम लोग तो अभी इजी इजी चीज समझ रहे थे ना, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, या तो ये सब चीज इजी है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसको डिफाइन करना बेहद आसान है। लेकिन आप सोचिए कि 1771 या 10626 ये सब इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो फिर आप इसको कैसे खोलिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को खोल रहे हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि हमारे टेबल पर एक भिंडी का सब्जी है या तो फिर गोभी का सब्जी है, ठीक है।
ये 1771 जो है वो खाने लायक एक तरह का सब्जी है। अब इस सब्जी के रेसिपी में बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व है, जैसे एक रॉ मटेरियल यानी कि जो हम लोग मार्केट से जा करके खरीद के आते हैं, कच्चा माल यानी कि भिंडी हमने खरीदा दुकानदार से और फिर घर ला करके उसको पीस पीस काट करके उसमें पानी डालकर मसाला डालकर नमक डाल करके उसको हल्दी उल्दी डाल करके एक सब्जी तैयार करते हैं, तो ये वही है। ये समझ लीजिए कि एक तरह का रॉ मटेरियल है, ये पानी है, ये मसाला है, ठीक है, ये सब चीज़ को मिला करके जो है एक भिंडी का सब्जी निर्माण होता है खाने लायक, ठीक है। तो यही चीज़ है कि फोर को हमने पूरा खोला, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये जो है बहुत सारा नंबर हो सकता है, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, नंबर को हम लोग खोल खोल करके देख रहे हैं कि कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेज को पलटिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर है उसको पूरे अच्छे तरीके से खोल दिया गया है, यानी कि इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1771 के बिल्कुल बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। और इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 10626 के बराबर आएगा, ओके। तो और भी तो नंबर हो सकता है जो कि 10626 के बराबर आ जाए, यही नंबर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर से आपको याद आता होगा प्राइम नंबर का, सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर पर, ठीक है। प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं 2, 5, 7, 11, ठीक है, 13, इनको कहते हैं। बहुत सारा नंबर हो सकता है लेकिन वो पहचाना कैसे जा सकता है, हमने बताया भी है। देखिए दोस्तों प्राइम नंबर उसको कहते हैं, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो वन से, ठीक है, जो वन से या और खुद के नंबर से कट सके। जैसे टू को कौन कौन काट सकता है, एक वन, वन से टू को डिवाइड करिएगा तो ये तो कट जाएगा, ओके। और टू को टू नहीं काट सकता है क्या, हाँ काट सकता है, आ रहा समझ में। और क्या टू को कोई नंबर ऐसा है जो काट सके, नहीं है। तो जिसका दो फैक्टर हो, जैसे ये क्या है, फैक्टर है जो डिवाइड कर सके टू को, जो डिवाइड कर सके टू को, उसी को तो हम लोग फैक्टर कहते हैं। जिसका दो फैक्टर होता है, जो सिर्फ दो नंबर से कट सके, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फाइव हो गया हमारा, फाइव ऐसा नंबर है जो कि वन से भी कटता है और खुद अपने फाइव से भी कट जाएगा। टू तो इसको नहीं काट पाएगा, थ्री भी नहीं काट पाएगा, फोर भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि इनके टेबल में फाइव आता ही नहीं है, और सेवन के साथ भी इसी तरह से। तो यही है, यही हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जरा आप गौर करिएगा, तो हम बोले थे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, क्योंकि टू जो है वो एक तरह का प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, इसलिए हो गया, ओके। फोर हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि फोर जो है वो कैसा नंबर है, कंपोजाइट नंबर है। आप देखिएगा वो वीडियो, उसमें सब चीज बताया है कंपोजाइट ये क्यों है, क्योंकि ये वन से भी कटता है, ध्यान से सुनिएगा, टू से भी कटता है और खुद फोर अपने से भी कट जाएगा, यानी कि वन से टू से भी कटेगा और एक फोर से, यानी कि इसका तीन फैक्टर हो गया दोस्तों। तो तीन फैक्टर हुआ तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। कंपोजाइट का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर, कंपोजाइट नंबर में ऐसा नंबर इन्वॉल्व होता है जो तीन फैक्टर या तो तीन से ज़्यादा फैक्टर, जैसे सिक्स हो गया, सिक्स में देखिएगा कि चार फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। एक तो पहले वो वन से कटेगा, टू से भी कटेगा, थ्री से भी कटेगा, लेकिन फोर से नहीं कटेगा, डायरेक्ट फिर सिक्स से कटेगा, यानी कि चार, चार फैक्टर से वो कटता है सिक्स, इसलिए वो कंपोजाइट नंबर में आता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब जरा इस पर गौर करिए, क्या सेवन जो है प्राइम नंबर है, 11, 23 है, आया समझ में, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन।
1771 को क्या किया गया, फैक्टराइजेशन इस तरह से किया गया जो कि हमको ऐसे लिखना है जो कि एकदम प्राइम नंबर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अब जरा गौर करिए इस पर, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है। कैसे, देखिए 21252 को हमने एकदम मजे से फैक्टराइजेशन किया। अभी हम सब बताएंगे एकदम अच्छे से कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। इस नंबर को हमने फैक्टराइजेशन पहले किया तो देखा टू, ये टू के ऊपर क्या है, टू इसका मतलब होता है, टू के ऊपर टू का मतलब इसमें दो जो है वो दो बार होगा, ठीक है, यानी कि टू का पावर टू है ना, तो टू इंटू टू इसका मतलब होता है, अगर थ्री रहेगा तो टू इंटू टू इंटू टू, जितना ऊपर रहेगा संख्या यानी कि इसका चांस है उतना बार, ठीक है। ये अपने आप को दिखला रहा है कि हम इतना बार ज्यादा है, अगर 200 रहेगा तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू मतलब कि टू जो है वो रिपीट होते जाएगा कितना बार, 200 बार, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ टू इंटू टू क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे टू एक अलग एकदम सिंगुलर एक अलग यूनिक जो है ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 3, 7, 11, 23 आप देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा सब में प्राइम नंबर टाइप का आएगा, ठीक है, आया समझ में इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये चीज को देखकर डरिए मत, ये क्या है पता है, देखिए बता रहे हैं, जैसे हम लोग पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है जानते हैं आप, जबकि जैसे हमने यहाँ पर 4 = 2 * 2 लिखा था, इस तरह से याद करिए हम लोग करते हैं कि नहीं। 1 से क्यों नहीं करते हैं पहले, इसलिए क्योंकि 1 से करेंगे तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, इसीलिए हम 2 से करेंगे, चेक करेंगे कि होता है, हाँ होता है। कब तक करते रहना है, जब तक एंड में 1 ना आ जाए, ठीक है, 1 ना आ जाए तब तक करते रहना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 = 2 * 2, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ये वही है ना, 2 का पावर 2, तो 2 क्या है ना, प्राइम नंबर बिल्कुल है। 1 * 4 क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि 1 देखिए प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा नहीं गया था। ओके आ गया समझ में, इस तरह से। तो ये जो हमारा इतना बड़ा नंबर है 3, 2, 7, 6, 0, इनको क्या किया गया, इस तरह से ये बॉक्स बना करके किया गया। ऐसे आप बनाइएगा तो आपके लिए आसान होगा, ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स बनाना होगा, लाइन खींचना होगा, बड़ा ही दिमाग खराब। तो 3, 2, 7, 6, 0 को हम देख रहे हैं कि एंड में 0 है, तो ये 5 से भी जा सकता है, 10 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, छोटा छोटा नंबर से, ठीक है, एकदम छोटा छोटा नंबर, तो 2 से डिवाइड किया हमने तो ये 16380 बार में गया, ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो इतना रिजल्ट आएगा। फिर ये देख रहे हैं कि ये भी 2 से चला जाएगा आराम से, तो वही चीज़ है, बहुत ही आसान है। ओके अब 3 से इसको डिवाइड किया, हम बताएंगे सब चीज़ बताएंगे, फिर एंड में देखे कि 13 आ गया, और 13 भी एक तरह का क्या है, प्राइम नंबर है, तो एंड में आ गया। इसका मतलब ये है कि एक तरह से मान के चलिए ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल, अब इस मोटरसाइकिल में स्क्रू भी रहा होगा, नट भी रहा होगा, ठीक है, वही हुआ, सीट रहा होगा, रबड़, प्लास्टिक, स्पीडोमीटर, चक्का, ठीक है, साइलेंसर, सब चीज़ रहा होगा ना, तो वो यही है, समझ लीजिए कि ये क्या है, नट है, स्पीडोमीटर, हैंडल, ये सब सब चीज़ मिला करके इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कि इतना आ जाएगा 3, 2, 7, 6, 0 के बराबर। इसको यानी कि हम लोग पूरे खोल करके अच्छे से समझे, जैसे एक मोटरसाइकिल उठा करके लाए, पूरा उसको खोल दिए, एक एक जगह पार्ट्स रखे, अब उनको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक तरह का वो मोटरसाइकिल बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस पर देखिए गौर करिएगा, 2, 2, 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 2 का
क्यूब लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया क्योंकि तीन बार था तो ऊपर तीन पावर, इसमें दो बार है ना तो 3 का पावर 2, 5 × 7 देख रहे हैं जितना भी नंबर है सब क्या है, प्राइम नंबर है। ध्यान से सुनिए, 2, 3, 5, 7 क्या प्राइम नंबर है? 13 बिल्कुल है, बिल्कुल है वो प्राइम नंबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 140 वो इसी तरह का है। चलिए इसको बनाने में वक्त नहीं लगेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, कौन सा हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.2। देखिए आइए समझे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है 140। अब इस 140 को क्या करना है, पहले क्या करना है आपको, जैसे हम अभी बना रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है, उसी तरह से बनाइएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका इधर रफ सेक्शन है। ठीक है, रफ सेक्शन है। अब इस 140 को हम लोग क्या किए, 1 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वही चीज आ जाएगा, 2 से करेंगे। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं 2 7 जा 14 होता है और इधर 0। अगर नहीं समझ में आए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप, डायरेक्ट डिवाइड करिए 2 7 जा 14। ओके, और बचा 1 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ओके, इस तरह से। नहीं समझ में आए, कन्फर्म नहीं है तो डिवाइड करके ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये कट सकता है बिल्कुल क्योंकि इसके एंड में 0 है, ज़रूरी है 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 अभी बैलेंस नहीं कर पाया है, 2 3 जा 6 तो 7 है यहाँ पर, लेकिन हम तो 6 देख रहे हैं इसको, तो 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचता है, 1, यानी कि यहाँ पर ये 1 जिंदा है अभी, 1 0, तो 2 5 जा 10। नहीं समझ में आए, बस आराम से डिवाइड करिए। अब ये जो एंड में देख रहे हैं 5, ये जरूर जो है कन्फर्म है कि 5 से डिवाइड होगा, तो आपको ये सोचना चाहिए कि 2 के बाद प्राइम नंबर 3 भी होता है, तो 3 से क्यों नहीं किए, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 1 जा 3 ये तो कट जा रहा है लेकिन 5 नहीं कटेगा ऐसे में, तो 5 7 जा 35, 7 भी एक तरह का क्या है, प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। अब एंड में 1 आ गया तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, आप इतना ही कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर 2 बार 2 है, 2 का पावर 2, क्लियर, ये है आपका, देखिए 2 5 7 क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है और ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, चलिए इसी तरह से अब स्पीड में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, 156, इसी तरह से काम करना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 156। चलिए अब इसको रफ में टेस्ट करते हैं, 2 से ये जरूर, 2 से कैसे हमने सोचा, क्योंकि इसके एंड में 6 है। अब 6 जो है वो एक तरह का इवन नंबर है, इवन नंबर उसको कहते हैं 2 4 6 8 10, जिस ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो। ठीक है, ठीक है, 2 7 जा 14 एक बचा हुआ है, 2 8 जा 16 खत्म। नहीं समझ में आया, डिवाइड करके देखिए, अब इसमें भी 8 है, इवन नंबर एंड में है, 2 3 जा 6 1 बचा, 2 9 जा 18। अब देख रहे हैं 2 के टेबल में एंड में क्या है, ये ऑड नंबर है, तो 3 से ट्राई करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक तरह का प्राइम नंबर है तो उसको कोई नहीं काट सकता, सिर्फ 13 ही काट सकता है, या तो फिर 1, एज में 13 1 जा 13। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, 2 स्क्वायर
देखिए, टू एक तरह का प्राइम नंबर, थ्री भी, 13 भी एक तरह का प्राइम नंबर। आया समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ सब चीज़ पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? क्या होता है सब चीज़। तो थर्ड नंबर, जबकि आप जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, 3825। कोई भी डाउट नहीं बचेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? बस इनको आपको डिवाइड करने आना चाहिए, धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट भी बन जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ये 3825 को ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे पहले देखिए एंड में 5 है, तो यहाँ पर तो ये पक्का हो गया कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 एक तरह का ऑड नंबर है, ठीक है? तो 3 से ट्राई करके देखते हैं, 3 से ये कट जाएगा। आप लेकिन ट्राई करके रफ में एक बार जरूर से देखिएगा, इतना तो कन्फर्म है ये कि 5 से जरूर कटेगा, क्योंकि एंड में 5 है। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और 22 हो गया एक तरह से। 3 7 जा 21, तो 22 था ना, अब 21, ठीक है? 1 यहाँ पर बचा, 3 5 जा 15। डिवाइड करके जोर से देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है? अब इतना तो आ गया, अब आगे देख रहे हैं कि फिर 3 से ये कट सकता है, कैसे? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, यानी कि 3 5 जा 15। ओके, अब देखिए तो क्या ये 3 से कट सकता है, 3 1 जा 3, यहाँ पर 12 बचा, 3 4 जा 12, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं जाएगा 3 से। अब करके देखिए, धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बन जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी एक्सपर्ट बनिएगा, ठीक है? 5 8 जा 40, ठीक है? तो 2 यहाँ पर बचा हुआ है, 2 5, तो 5 5 जा 25। ओके, 5 1 जा 5, 3 बचा हुआ है यहाँ पर, 35, 5 7 जा 35, 17 एक तरह का क्या है, प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ओके, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कि इतना आ जाएगा। अगर आपको जरा सा भी शक है कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन तो एक नंबर का ही आएगा, अगर जरा सा भी शक है कि ये हमारा सही है या नहीं, ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये 3825 के बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। 5005 इनको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, रफ में करते हैं 5005। देखिए ये 3 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में ना ही 5 आता है, इधर भी नहीं आएगा, तो इसीलिए 5 से डायरेक्ट करिए, 5 1 जा और फिर 005, 5 1 जा। ओके, अब ये 1001 आ गया, इसको कैसे अब डिवाइड करें? तो 5 से तो ये नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। आप लेकिन ट्राई करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है? नहीं समझे बात को? आप डिवाइड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके माइंड में खुद क्या नाम है, आ जाएगा समझ में, एकदम परफेक्ट आ जाएगा समझ में, ठीक है? 7 1 जा 7, चलिए ना, अगर नहीं समझ में आए तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7 बचा यहाँ पर 3, 7 4 जा 28 यहाँ पर 2 1, और 7 3 जा 21, तो ये 143 बार में चला गया। ओके, आगे समझ में? अब देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, और 7 के बाद 9 तो नहीं होगा प्राइम नंबर में, ठीक है ना? क्योंकि 9 अगर होना रहता तो 3 से वो पहले ही कट लिया होता, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है? तो 11 से करके देखिए, 11 1 जा 11, ठीक है? तो यहाँ पर 14 में से 11 घटाइएगा तो 3 होता है, 3 यहाँ पर जिंदा है अभी भी, 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब 30 जो है वो एक तरह का प्राइम नंबर है, तो आया समझ में? इस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 का क्या आ जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13, ये सब सब जो है प्राइम नंबर है,
इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5005 के बराबर में आ जाएगा। आ गया समझ में? लास्ट 7429। इनको कैसे डिवाइड करना देखिए, 7429 ठीक है, ये जो है 3 से आप डिवाइड करिएगा, करके देखिए, बनाते जाइएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा, 3 से करिएगा ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से करिएगा तो वो तो होना ही नहीं है ठीक है, 5 7 से भी करिएगा तब भी नहीं होगा, तो फिर किससे होगा ये? कर सोचते जाइएगा, खुद सोचते जाइएगा, तो देखिएगा ये एंड में 17 से ही कटेगा, तो फिर बड़ा ही हो जाएगा मकर। आप देखिए 17 से 7429 इसको डिवाइड करना है, तो 17 3 जा कितना होता है, 7 21, ये 51 हो गया, तो 51 इसके आसपास तो है, लेकिन हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे 4 से करके 68, तो देख रहे हैं 68 और ज़्यादा पास है ठीक है। अब लेकिन 5 से करिएगा मल्टीप्लाई तो वो 74 के पार चला जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 4 से किए तो 68 आ गया, 14 में से 8 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ से इसको कैरी लेना पड़ेगा एक इससे, तो 14 में से 8 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, ये कैरी लिया था ना, तो अब ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 0, तो 29। अब 62 क्या ये बैलेंस कर पाएगा? नहीं, ये 4 बार में नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 51, 2 में से 1 घटाएगा तो यहाँ पर 1, 6 में से 5 घटाएगा 1। अब चेक करिए कि 17 के टेबल में 119 कितने बार में आता है, तो मन में सोचिए 7 7 जा 49 होता है, तो 7 7 जा चलिए ट्राई करके देखते हैं, 4 7 4 11 हाँ आ गया, तो ये इतने बार में चला गया, तो 4 37 4 37 हो गया ना, 4 37। अब ये कौन से नंबर से जाएगा, क्या ये 17 से जाएगा, क्योंकि उसके आगे ही ना सोचना होगा, याद रखिए उसके आगे ही ना सोचना होगा, तो 17 के टेबल में 437 नहीं आता है। अब उसका आगे का जो नंबर है वो 19 है, 19 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, इनको डिवाइड किया 19 से ठीक है, तो आसपास का नंबर खोजिए, 19 2 जा ही होगा 38, 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 हो जाता है, एक कैरी लिया था ना तो अब बैलेंस हो गया, अब 3 बन गया, और 9 3 जा 27, यानी कि ये आप जब 19 × 3 करिएगा तो देखिएगा 57 आ जाएगा ठीक है, 23 23 एक तरह का प्राइम नंबर है, वो 23 खुद से ही कटेगा। आगे समझ में? प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 × 19 × 23 आंसर। आगे समझ में? बेहद आसान, बेहद आसान। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो पहला नंबर था वो बहुत ही आसान था, आने वाला क्या हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है, अच्छे तरीके से समझिए, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम आपको गारंटी बोल रहे हैं, एक बार देख लिया ना तो समझ में आ जाएगा आपको ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ठीक है, इंग्लिश में तो हम लोग जानते हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है सब चीज़ पढ़ेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको ही पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि दो नंबर दिया गया है 26 91, इनका जो है एलसीएम निकालना है आपको और एचसीएफ निकालना है ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर बेस में जाएंगे तो एलसीएम आपने इस तरह से जरूर आपने बहुत बार निकाला होगा, जैसे लिख दिया मैंने 2/5 प्लस 2/6 ओके, या मान के चलिए कि ऐसा नंबर 2/6 प्लस 3/2 ठीक है, इनको आपस में जोड़ना है, इनको भी देखेंगे पहले, इनको देखिए क्योंकि ये आसान है, तो हम लोग इनका सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, याद है? तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 6 2 जा 12 12 कर देते हैं, लेकिन क्या ये देखना है कि
कि 12 जो है इसका एलसीएम सही में है। चलिए देखते हैं, तो कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं 6 और 2, तो देखते हैं कि ये 2 से हो जाएगा और ये भी 2 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिख दीजिए। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, इसका तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन हम तो प्रिडिक्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसका एलसीएम 12 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तो एलसीएम 6 आया। तो कैसे निकलता है उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए ये हमारे लिए बेहद आसान है, क्यों, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ज़रा सोचिए आप कि अगर 38,000 यानी कि ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाए, तब आप उसका एलसीएम कैसे निकालिएगा। इसी को हम लोग पढ़ना है अच्छे तरीके से कि बड़ा बड़ा नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, 5 और 6 का हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि 5 और 6 एकदम डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 30। हाँ ये बिल्कुल इसका 30 आएगा, कैसे, देखिए 5 और 6 है, तो चलिए इसको हमने 5 से किया, ये 5 के टेबल में नहीं आता है तो डायरेक्ट 6 लिखा जाएगा। और 6 अब देख रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 1 जा 6, तो 5 6 जा 30, क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है ना, इसमें क्या है कि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है, एक तरह से कॉमन निकल रहा था 2, इसीलिए समझे। तो इसका जो एलसीएम है वो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में एलसीएम एचसीएफ तो निकालना है ही, और साथ में ये सब क्या है, इंटीजर है। इंटीजर जानते हैं ना किसको कहते हैं, -26 -91 भी एक तरह का इंटीजर है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक का जितना भी नंबर होता है सब इंटीजर में आता है, 0 भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरीफाइड दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, जब आपने एलसीएम निकाला होगा और एचसीएफ निकाला होगा, उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तब आपका आंसर सही हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर होता है, याद रखिएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर क्या है, देखिए जो नंबर आपको दिया गया है बुक में, पहला नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91 है, ठीक है, यही आपका 2 नंबर है, इनको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का दूसरा नाम मल्टीप्लाई ही होता है, सम देखते होंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, चलिए बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है 26 एंड एंड को ऐसे लिखते हैं 91, इनका सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, 26 को एक जगह लिखना होगा, जैसे अभी हम लोग तुरंत किए थे फैक्टराइजेशन, याद है, तो यहाँ पर कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके दिखलाइए। और यहाँ पर यह भी नहीं कहा गया है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में कहा गया था ना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकालिए, कहा गया था ना, तो वैसा नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। आप एचसीएफ वैसे भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा तरीका है जो कि सबसे बेहद आसान है, उसी के फॉर्म में निकालेंगे। 26 को हमने 2 से किया, 2 3 जा 6, 13 इंटू 1, तो इसका मतलब 2 इंटू 13। ओके, अब ये 91 को हमने किया, पहला नंबर को इधर लिखा, दूसरा नंबर को इधर, 91 का क्या हिसाब किताब है, 3 के टेबल में नहीं होगा, किसके टेबल में होगा, डायरेक्ट 7 के टेबल में होगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 बचा, 7 3 जा 21, तो इसका मतलब 7 इंटू 13। ओके, इसको जब हमने पहले फैक्टराइजेशन किया, अब ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में देखना है कि क्या सामान्यता है, सामान्यता का मतलब क्या है, कॉमन, ऐसा जो कि ऊपर भी उपलब्ध है नीचे भी उपलब्ध है, उसको हम लोग एच सी एफ कहते हैं, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए ये जो हमारा 13 नंबर है, ये ऊपर भी उपलब्ध है नीचे भी उपलब्ध है, 2 तो है ऊपर लेकिन नीचे नहीं है, 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, आ रहा समझ में सब चीज़ अच्छे से,
अरे ना, अच्छे समझ में। तो 13 क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है कि ऐसा नंबर जो कि पहली बात की वो हाईएस्ट हो और वो कॉमन निकल सके, यानी कि 26 और 91 मान लीजिए ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें से बोला जाए कि बेटा हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालो, ठीक है, तो हम कौन सा नंबर निकाल सकते हैं? 13 निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 के टेबल में 26 भी आता है, 91 भी आता है, 13 2 जा, ठीक है, और 13 7 जा, इस तरह से है, समझ में। चलिए, ये आपका HCF जो है वो 13 आ गया। अब बारी आता है LCM का, बड़ा ही ध्यान से समझना है। HCF आपके लिए बेहद आसान है, लेकिन LCM थोड़ा सा हल्का कठिन हो सकता है, समझने भर दे रहा है बस। अगर वो समझ लिया आपने तो कंप्लीटेड, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। LCM को समझने में थोड़ा सा हम लोग वक्त लेंगे, ठीक है। देखिए, इसका LCM इसी से निकलेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका LCM क्या होगा, जैसे ऊपर जो है 2 है, 13 है, 7 है, 13 है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 13 13 एक तरह का कॉमन है। तो ऐसा नंबर जो यूनिक हो, यूनिक का मतलब जो एकदम अकेला, जैसे यहाँ पर हम LCM लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लिख कर बता रहे हैं, 2 × 7 × 13, ये सोच रहे हो, लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ये LCM क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, 2 लिखा हमने, 7 भी लिख दिया, चलिए 1 13 लिख दिया, लेकिन ये दूसरा आपने 13 क्यों नहीं लिखा, एक सवाल आता है। तो हमने क्या बोला कि अगर एक ही नंबर है जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, एक ही नंबर, तो हम लोग उसको एक ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 13 भी है, यहाँ पर भी 13 है, तो वो ही लिखाएगा। नहीं समझे बात को, नहीं आया समझ में? चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये टेबल पर एक प्लेट में भिंडी का सब्जी है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भिंडी के सब्जी में जो खाने लायक है प्लेट में, उसमें क्या है, एक रॉ मटेरियल बहुत सारा है, ठीक है। देखिएगा, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी कि भिंडी है जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाए हैं, ठीक है। और ये मसाला है, बड़ा ही आराम से समझिए, और ये वाटर, और उसी तरह से यहाँ पर भी गोभी का सब्जी है, गोभी का सब्जी, समझ जाइएगा। चलिए, इसमें भी रॉ मटेरियल होता है, लेकिन इसका डिफरेंट है, क्योंकि भिंडी और गोभी अलग अलग यूनिक चीज है, ठीक है, दोनों सेम तो नहीं है, ओके। गोभी, बड़ा ही ध्यान से समझिए, ओके। कहाँ है गोभी? इसमें भी मसाला है। अब मसाला ये बहुत सारा तरीका का होता है, चाट मसाला, हल्दी मसाला, यानी कि मसाला दो तरह का है इसमें। इसमें एक तरह का मसाला डाला गया है, इसमें दो तरह का मसाला डाला गया है, इसमें भी है पानी। अब जरा समझिएगा, जैसे इसको अगर बोला जाए HCF के तरीके से समझा जाए, तो हम देखेंगे कि ये चीज डिफरेंट है, लेकिन ये जो मसाला है वो बिल्कुल सेम है, ओके, ठीक है। तो ये मसाला एक ही बार गिना जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही मसाला है, यहाँ पर भी वही मसाला, जैसे ये चाट मसाला है तो ये भी चाट मसाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा डिफरेंट मसाला, लेकिन ये भी मसाला ही है, लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका जो HCF निकल कर सामने आएगा वो यही मसाला, चाट मसाला निकल कर आएगा, ठीक है, कि इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, और ये पानी भी जो है इसमें इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, तो ये भी आपका पानी भी HCF में आ जाएगा, ठीक है, कि मसाला और पानी HCF में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं LCM को, कि LCM में जैसे यहाँ पर ऊपर मसाला का पावर 1 है, यानी कि एक मसाला है, और यहाँ मसाला का पावर 2 है, ठीक है, 2 मसाला। तो इसका LCM कैसे निकलेगा, ये चीज समझना है। क्या इसका सिर्फ LCM M निकल जाएगा, जैसे हम लोग उस समय निकाले थे 13, वैसा निकल जाएगा? नहीं,
नियम क्या कहता है कि जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा, ठीक है, वही चीज़ ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को हम लोग लिखेंगे एलसीएम में। ठीक है, नहीं आया ना समझ में? यहाँ भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ 13 का पावर 1 है और 13 का पावर भी 1 है, तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल कर सामने आएगा वो 13 का पावर 1 ही आएगा। ठीक है, अगर जरा थोड़ी देर के लिए समझिए यहाँ रफ में कि 2 × 13 × 13 रहता और यहाँ पर 7 × मात्र 13 रहता, तब इसका एलसीएम हम कैसे निकालते? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 13 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको यहाँ पर देखिए, और ये 7 × 13, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसका एलसीएम कैसे निकलता? 2 × 7 × 13 का पावर 2 ऐसे निकलता। जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। ओके, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जरा सोचिए कि यहाँ पर 200 रहता और यहाँ पर 2, तब कैसे लिखते? तो बताया, तो आपको बस माइंड मेकअप करके चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहेगा और दोनों सेम जाति का है, यानी कि ये भी 13 है ये भी 13 है, तो इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आएगा वो 13 का पावर 200 आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे समझ में? चलिए, अभी और भी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और आपका माइंड डेवलप होगा। ठीक है, इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आया 2 × 7 और एकदम यूनिक नंबर होना चाहिए, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको समझ लिए। 2 × 7 × 13, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 2 = 14, 14 × 13 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, 1 × 4 = 4, 182, इसका एलसीएम सामने निकल कर आया है 182। ओके, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, काम आसान हो गया। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है एलसीएम निकालने का, उसी में थोड़ा सा लोचा होता है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा वो भी खत्म हो जाएगा उसका जो भी डाउट है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया, आगे बताइए क्या करना है। आगे वेरीफाई करिए कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर है? अगर है तो ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 182, एचसीएफ है 13, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो दिया गया है 2691, यही तो दो नंबर है, तो 26 × 91, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इनको आपस में चेक करिए कि क्या ये बराबर है, तो चलिए चेक करते हैं। 182 × 13, 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24, 3 × 1 = 3 = 5, 1 × 2 = 2, 1 × 8 = 8, 1 × 1 = 1, 8 × 5 = 13, 2 × 3 = 66। इधर जो है 2 × 3 = 66 आया है, क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 3 = 66 आता है? अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है। देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन भी नहीं लेना है, पीछे चेक भी नहीं करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, बस हम खुद से अंदाज़ा लगा लेंगे एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, देखेंगे कि इधर का पार्टी जब बराबर आ गया तो इसका मतलब कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं जिस तरीके से वो हमारा बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो 26 × 91, 1 × 6 = 6, 1 × 2 = 9, 6 = 54, 5, 9 × 2 = 18, और 18 और इधर 5 था, 18 और 5 होता है 23। ठीक है, 2 × 3 = 66, 2 × 3 = 66, दोनों में सेम सेम आया है, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया।
ठीक है, वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है चलिए, ये तो था पहला क्वेश्चन, अब दूसरा बनाएंगे थोड़ा सा स्पीड में ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी देखिए, फाइव टेन एंड 92। चलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। ठीक है, रफ में फाइव टेन को टू से आराम से काट सकते हैं, टू टू जा फोर, बचा एक यानी कि 11 हो गया, टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन। अब हम डायरेक्ट फाइव से डिवाइड कर देते हैं, थ्री से भी हो सकता है लेकिन हम ये कन्फर्म है कि फाइव से होगा, बस सिंपल फैक्टराइजेशन करना है। फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा, अब तो ये थ्री से कट जाएगा आराम से, थ्री वन जा थ्री, ठीक है, बचा यहाँ पर टू, 21, थ्री सेवन जा 21, 17 वन जा। ओके, तो इसका मतलब कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, या तो ऐसे भी लिख सकते थे, फाइव को इधर भी लिख सकते थे, थ्री को इधर भी, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब 92 का करेंगे तो टू से तो ये कटेगा ही, टू फोर जा एट, वन और इधर टू, यानी कि 12 बन गया, टू सिक्स जा 12, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, 23 एक तरह का प्राइम नंबर है, तो यहाँ निकल कर सामने आया है टू इंटू टू इंटू 23। ओके, पहला काम है हमारा एच सी एफ जानना क्या होगा वो, जो कि बहुत ही आसान है। पहले तो ये टू जो है वो बिल्कुल सेम है, थ्री क्या है कहीं आसपास नहीं है, फाइव भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 सब कोई ऐसा नंबर नहीं है, मात्र एक टू है, तो सिंपल सा कि एच सी एफ टू आ जाएगा। आगे समझ में? ओके, अब एलसीएम निकालें कैसे, डरिए मत। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो इसको टू का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू 23। अब ऊपर देखिए, ऊपर इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, टू है यहाँ पर और यहाँ पर टू का स्क्वायर है। ओके, और बाकी जितना भी नंबर है, और बाकी जितना भी नंबर है सब यूनिक है, एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टू है और यहाँ पर टू स्क्वायर है, तो क्या निकल कर सामने आएगा, हम आपको बताए भी थे कि जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहेगा, यानी कि टू का यहाँ पर पावर टू है, उसी को लिखेंगे, इसको भूल जाएंगे। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, थ्री इंटू फाइव इंटू 17 और ये आपका 23 भी हो जाएगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आगे समझ में? यही चीज था मेन, ठीक है, और बाकी तो सब एकदम एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट है। ओके चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये है टू का पावर टू यानी कि फोर, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू फाइव हो जाता है 60। ठीक है, यहाँ तक 60 आ गया, यानी कि 60 इंटू 17 इंटू 23, इनको मल्टीप्लाई करिए, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, कर सकते हैं हम, रुक गया, चलिए ना कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख भी जाएंगे कैसे मल्टीप्लाई होगा स्पीड में। 700, 76 जा 42, 100, 16 जा, ओके 10, ये आपका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10, 20 आया है, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 जा 0, 32 जा 6, 20 जा 0, 22 जा 4, 20 जा 0, 21 जा 2, ऐसे मल्टीप्लाई हम जानबूझ करके कर रहे हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे मोबाइल में, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 23460, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, चलिए सबसे मेन चीज है, जहां गड़बड़ाया हल्का सा भी पूरा क्वेश्चन गलत, इसलिए ये भी एक तरह का मेन चीज है। चलिए ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज दोनों निकल गया तो हमारा 90% काम खत्म। कैसे? क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ अब करना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, टू नंबर को ऐसे लिख दे रहा है,
एलसीएम है 2, 3, 4, 6, 0, एचसीएफ है 2, ठीक है, सब सामने है नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ये है। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगेगा, इनको आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं या तो फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनको दो बार जोड़ते तो वही सेम हो जाता। छोड़िए, 2 0 0 6 12 1, 4 2 8 9, 3 2 6 और यहाँ पर 2 2 4, कितना है यहाँ 4 6 9 2 0, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, 900, 91 9, 5 9 45, देखिए तो 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, हाँ बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब कि ये सही है, वेरीफाई हो गया। ये दूसरा नंबर भी बन गया, तीसरा नंबर आगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए घबराइए मत, ठीक है। तीसरा नंबर में है 3 3 6 एंड 54। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, 3 3 6 का 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। 3 3 6, देखिए 3 के टेबल में भी आएगा, ये 2 के टेबल में भी आएगा, ओके, क्योंकि एंड में क्या है, इवन नंबर है, तो हम देख रहे हैं 3 के टेबल से ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। अब आप चाहें तो 2 के टेबल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इधर उधर कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, 2 7 जा, आसान हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपका 7 1 जा, तो 4 बार जो है वो 2 है, 4 बार लिखा गया। अब यहां पर 7, और 54 को इसी तरह से किया जाए, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 7 जा, फिर इसके बाद 3 के टेबल में आएगा, 3 9 जा, ओके, तो 2 × 3 बार है लिखा गया, ओके। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, 3 जो है क्या नीचे है, बिल्कुल है, मिलाते जाइए, एकदम घबराना नहीं है, मिलाते जाना है, और 2 है क्या, 2 है ऊपर है, ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात, आप चाहे तो 2 इधर लिख सकते थे, आसान हो जाता, कोई बात नहीं, हो गया। तो जो जो आते जा रहा है उसको लिखते जाइए, 2 आ गया है तो 2 लिख दीजिए, 3 भी आया है लिख दिए, ओके, इन दोनों का काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। 2 है क्या और 3 ऊपर है क्या, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब कि मात्र यही दोनों जो है एचसीएफ निकलेगा, ओके, 3 ऊपर नहीं था कहीं भी और 2 भी नीचे अब कहीं भी है नहीं, तो 3 2 जा 6, ये आपका एचसीएफ निकला। अब बारी है किसका, कि इनको जो है कैसे लिख सकते हैं, और 3 और 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इधर भी इनको भी लिखेंगे, और यहाँ पर 7, इसमें 2 × 3 का पावर 3, ओके। अब क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है, बड़ा ध्यान से समझिए, ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ देखिए और ये देखिए, ठीक है, क्या करना है, इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर जो है 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो चलिए इसी को पहले निपटाते हैं। किसको चूज करना होगा, जिसका पावर ज्यादा हो, यानी कि 3 का पावर 3, इसमें किसको चूज करना होगा, जिसका पावर ज्यादा हो, 2 का पावर 4, आया समझ में, इस तरह से। ये चीज तो 2 और 3 का मैटर सॉल्व हो गया, अब जो
एक लास्ट डिजिट बचता है वो 7 है, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 27। ओके, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 हो जाएगा। कैसे, देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 × 17। इनको अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो 27 16, 7 6 जा 42, और यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। 1 7 जा 1 2 जा, 4 3 2 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, फिर उसके बाद × 7, 7 2 जा 14, 1, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3 0 2 4। ठीक है, पिछले बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 1 लिख दिए थे। ओके, तो इसलिए मल्टीप्लाई अच्छे से करना है आपको। ये आपका एलसीएम निकल कर आया है सामने, बस क्वेश्चन बन गया एक तरह से। कैसे, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, थर्ड नंबर। तो एलसीएम × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम है 3024, HCF है 6। देख रहे हैं एलसीएम कितना ज्यादा होता है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 3 3 6 × 54 × 54। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 3024 × 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14, यहाँ पर 6 0 1, 6 3 जा 18। ठीक है, तो कितना हो गया, 18 144। अब 3 3 6 54, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 18 हो गया, फिर उसके बाद 5 3 जा 15, ठीक है 16 हो गया, और ये 3 है। ठीक है, 8 3 11, और ये 8, तो देखिए 18 144। आप मल्टीप्लाई अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर आ गया है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो ये खत्म हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आगे और भी आसान है। देखिए, तीसरा नंबर में बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे है दिया हुआ क्वेश्चन, 12 15 21, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है, किसको अप्लाई करके, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही इसमें क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना उसी तरह का, तो ये तो और भी आसान हुआ, और भी आसान है। क्यों आसान है ये, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो बहुत छोटा छोटा नंबर है, और ये हमारे लिए आसान है। चलिए देखिए कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर जो है 12 15 एंड 21। ठीक है, तो 12 को यहाँ पर 15 और 21, इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ओके, क्या हो गया, 2 × 2 × 3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर × 3। अब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और 2 और 3 क्या है, एक तरह का फैक्टर है। अब 15 में देखिए, 3 5 जा 15, तो यानी कि 3 × 5, 21, 3 7 जा 7 1 जा, तो 3 × 7। ओके, तो देखिए इसमें जो HCF निकल कर सामने आएगा वो क्या आएगा, 2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 जो है
वो एक ऐसा नंबर है जो कि आपका HCF निकल कर आ गया, और तो टू ऊपर नीचे नहीं है, 5 7 नहीं है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब इसका जो HCF है वो क्या है, सिर्फ 3। आया समझ में? ठीक है, अब LCM निकालना है हम लोग को। LCM जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 का स्क्वायर है, ओके, और भी कोई ऐसा नंबर है नीचे, 2 का स्क्वायर कहीं नहीं है, तो बड़ा ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर कहीं भी नीचे नहीं है, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो एक ही था मात्र, तो एक ही निकलेगा, ओके, 5 × 7, बस आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 × 7 तो यानी कि 7 6 जा 42, 420। ठीक है, आगे समझ में? पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में पढ़ते हैं, दूसरा नंबर है 17 23 और 29, 17 23 एंड 29, ओके, ये और आसान है, ये तीनों पता है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये तीनों प्राइम नंबर है, पता होना चाहिए, 17 23 और 29, इसको आप करिएगा तो कैसा आ जाएगा पता है, 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29, ओके, ये तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका जो HCF निकल कर सामने आएगा वो बहुत ही आसान है, 1। ठीक है, और जो LCM हो जाएगा, LCM 1 तो निकलेगा ही, 17 × 23, 29, सब यूनिक नंबर है, एकदम अलग अलग। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर में शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करिएगा। ये आपका आया है 11,339, ओके, LCM आया, तो LCM तो इतना आ गया, HCF भी आ गया। ठीक है, बन गया क्वेश्चन आराम से। अब थर्ड नंबर में 8 9 25, एट नाइन एंड 25, देखिए 8 9 25, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 8 का 2 4 जा 2 2 जा, इधर 9 का भी कर लीजिए, 3 3 जा, और इधर 25 का भी, 5 5 जा 25, ओके, सबको लिख लीजिए, इसका 222, इसका 993 सॉरी, और इसका 555। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके बराबर है ना, बिल्कुल। तो 222, 3 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, 5 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये परेशानी है कि हम इसमें HCF क्या निकालें, क्योंकि 2 यहां पर है तो नीचे नहीं है, 3 यहां पर है तो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका जो HCF निकल कर आएगा सामने वो क्या आएगा, 1 × 2, क्या इसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका जो HCF निकल कर आएगा सामने वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? 1, तो HCF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और LCM, LCM आपका देखिए 2 का क्यूब, 5, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सिंपल सा जो जो लिखा हुआ है, जैसे याद करिए हम आपको शुरू में बताए भी थे कि 2/5 है प्लस क्या नाम है, 3/6 है, तो इसका जो LCM निकल कर सामने आएगा, तो बोलते थे ना 30, याद करिए क्यों, क्योंकि 5 और 6 ऐसा नंबर है जो कि एकदम डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, 2 3 5 भी एकदम डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो इसमें 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ओके, ये आपका 8 हो जाएगा, 9 × 25। अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं जल्दी से अपने कैलकुलेटर में, 8 9 जा होता है 72, 72 इंटू
1800, ठीक है। इसका जो एलसीएम निकल कर सामने आया है वो 1800 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एचसीएफ 1 है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गिवन डैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम इसी नंबर का 306657। देखिए डरिए मत, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। तो एक तरह से मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे था ना कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाला करते थे, दो नंबर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी दो नंबर दिया गया है। 306 मान लीजिए इसकी जगह पर है, 657 इसकी जगह पर है। ओके ठीक है, बुक वाला आपको मदद कर दिया क्या कि इसका जो एच सी एफ निकल कर सामने आएगा वो 9 आएगा। आप करके भी देखिए इसका एच सी एफ क्या आएगा, 9, ये दिया हुआ है। आपको एलसीएम निकालना है, तो आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा ही आसान है, जब हम उस क्वेश्चन को बना दिए तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज जो अभी बताएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखिए, जैसे हम लोग को उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि तरह तरह के से समझने से क्या होता है और भी आसान होते चला जाता है, ठीक है। एक और तरीका है, क्या तरीका है देखिए, 306 और 657 ये दो नंबर है, ठीक है। उसका जो एच सी एफ है वो 9 है, ये गिवन है, दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब वही सेम नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, तो आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं, कैसे, इसको पहले फैक्टराइजेशन करिए, इसको भी फैक्टराइजेशन किए तो देखे और एलसीएम निकाल सकते हैं वैसे भी। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ तो जरूर पढ़ा है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, देखिए हमारे पास एचसीएफ है 9, प्रोडक्ट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इनको आपस में क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारे पास सब चीज मौजूद है, तो एकमात्र एचसीएफ नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, तो उसी तरह से आपको निकाल देना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, एल सी एम नहीं पता है, एस सी एफ पता है 9, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर पता है, 306 है पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है वो 657 है। अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगेगा, तो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 306 इंटू 657, तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल कर सामने आता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाएंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 201042 आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर। तो एल सी एम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई, यानी कि डिनोमिनेटर में ये जो 9 था ऊपर था, इज इक्वल टू के उस तरफ भेजिएगा तो कहाँ चला जाता है, नीचे, ऊपर था तो अब ये नीचे चला जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 9 से कुछ ना कुछ जरूर कटेगा और ये हमारा कटने के बाद और भी आसान हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करने में और भी आसान होगा। तो देख रहे हैं कि 3 से ये कटता है, 3 3 जा 9, 3 से ये भी कटता है, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ओके कट गया। अब क्या ये 3 से कटेगा, कटेगा, कैसे, 3 3 जा 9, एक बचा हुआ 3 4 जा 12, ओके ये कैसा आ गया, एल सी एम इज इक्वल टू 34 इंटू 657, ओके नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 इंटू 34 तो कितना आ गया, 22,338, ठीक है, ये है आपका एलसीएम।
22338। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलसीएम समझ में आ गया ना कैसे निकला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है, बस समझना अच्छे तरीके से। चेक वेदर 6 to the power n, ठीक है। अब ये n क्या है पता चलेगा। कैन एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है, ये क्या है हम बता रहे हैं आपको। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, देखिए n जो है वो एक तरह का नेचुरल नंबर है, और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 10 भी एक तरह का नेचुरल नंबर है, पता है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि n के स्थान पर कोई भी एक तरह का नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी, ठीक है, हो सकता है 1, 10, 100, 101, 1000, 1 करोड़, बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो हम ये 00 एंड में क्यों लिख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो क्या ये 6 to the power n के स्थान पर रखें, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर रखें और उसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो के ज़ीरो में जा कर के एंड कर जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट ये आ सकता है 1000 या तो 100 या तो 10, ऐसा नंबर जो एंड में ज़ीरो आता हो। जैसे इसके एंड में क्या है, 0 0, इसके एंड में 0 नहीं है, ठीक है, इसके एंड में है 0। 1 करोड़ भी रहेगा, 1 लाख भी रहेगा, तो उसके एंड में 0 रहता है। तो ऐसा नंबर पर ये जाकर के एग्जिट कर जाएगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 5, ठीक है। तो वो 0 एंड में तभी आएगा जब वो 2 × 5 के फॉर्म में होगा, नहीं समझे बात को, 2 × 5 के फॉर्म में होगा। क्यों ये हम क्यों लिखे, क्योंकि इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 5 जा कितना हो जाता है 10। अब इसके ऊपर n की जगह 1 रखिए, चाहे 5 रखिए या कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6। अब 10 यहाँ पर है, अब 10 का आप स्क्वायर करिएगा, 10 का क्यूब, 10 to the power 5 करिएगा, तो उसका जो जितना भी रिजल्ट निकलेगा उसके एंड में 0 0 0 0 आएगा ही आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। और 2 और 5 क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है, पता है ना, समझ रहे हैं बात को। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, आया समझ में। तो लिखिए किस तरह से, इसको ऐसे लिखना होगा, 6 to the power n है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने फैक्टराइजेशन किया, तो याद रखिए ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर आना चाहिए। 6 को किया हमने, 2 3 जा 6, ठीक है, तो 2 × 3 का power n आ गया। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 × 5 के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 2 × 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 6 का power 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करिए, ठीक है, यानी कि 10, देखिए 6 का पावर अगर 1 किए तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 क्या उसके एंड में 0 है, नहीं ना। हाँ, अगर यहाँ पर 10 करते, 6 का power 10, तो कितना हो जाता, 6 का power 10, यानी कि 6 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो कितना हो जाता, ये बहुत सारा नंबर हो जाता 6 × 6, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 6 6 जा 36 6 6 जा 36, फिर यहाँ पर देखिए 6 6 जा 36, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखिए एकदम बारीकी से समझिए। तो कितना हुआ, 4 6 और यहाँ पर 4, ठीक है, तो 6 6 जा 36 और यहाँ पर 36, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखलाते हैं आपको, 36 × 36, ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज़, ठीक है, 1296 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1296, ध्यान से सुनिएगा। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया,
1296, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1296 × 1296 × 36, इसको कितना भी आप कोशिश करिएगा उसके एंड में ज़ीरो नहीं आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, कैसे देखिए ऐसे लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखते हैं, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड्स, अब कितना भी मतलब कुछ भी करिएगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। ये इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई, नहीं आ रहा समझ में, इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 5 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व्ड डैट कि 5 इज नॉट नॉट इन द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ 6 नहीं होगा, ठीक है, 6 जो है नहीं होगा, और फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू सब लिखना होगा अच्छे से, ऑफ एन 6 विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और ये भी लिख दीजिए 6 to the power n कैन नॉट, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में वही लिख रहे हैं, एंड विथ द डिजिट 0, 6n जो है वो एंड नहीं कर रहा है डिजिट 0 से, ठीक है। फॉर एनी, अब 0 पता है ना नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, बता रहे, रुकिए रुकिए, नेचुरल नंबर, देखिए 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन हाँ 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 1 करोड़ भी होता है, बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है। ये सब जो है नेचुरल नंबर होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा नंबर बताइए कि क्या 6 to the power n के जगह पर कोई ऐसा नंबर रख दिए जो कि 0 पर एंड कर जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बस हो गया, यही चीज़ था, देख लीजिए सब चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए, उम्मीद है 5 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 या जो भी नंबर ये सब दिया हुआ है, क्या ये कंपोजाइट नंबर है, कंपोजाइट नंबर। तो सबसे पहले आते हैं कंपोजाइट नंबर होता क्या है, कंपोजाइट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होता है, बताए भी हैं, जैसे 4, कम से कम 4, क्यों ये 4 है, या 6, 8, ये क्यों नंबर जो है कंपोजाइट होता है। देखिए सबसे पहले सीखते हैं, ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से कट सके, जैसे 4 जो है वो 1 से भी कटेगा, ओके 2 से भी कटेगा, ओके 3 से नहीं कटेगा, 4 खुद से कट जाएगा। तो ये पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि 3 फैक्टर से कट गया, इसका मतलब बोले तो 3 फैक्टर या तो 3 से ज़्यादा, ठीक है, फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 है ये, तो इसका मतलब 3 फैक्टर से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 4 जो है कंपोजाइट नंबर है। अब 6 जो है क्यों है, क्योंकि ये 6
वन से भी कटता है, टू से भी कटता है, थ्री से भी कटता है, और लिख लीजिएगा, ये सब तो बड़ा आसान चीज़ है, और ये सिक्स खुद से भी कटता है। तो 1, 2, 3, 4, चार फैक्टर है, तो इसका मतलब कि इसमें शामिल है तीन से ज़्यादा वाला भी तो होता है कंपोजिट नंबर। 8 भी इसी तरह से है, वन से भी कटेगा, टू से भी कटेगा, फोर से भी कटेगा, और 8 खुद से भी कटेगा। आगे समझ में, जो भी नंबर आपको दिया जाए, अब उसको चेक कर लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है, कि वो तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर से कट रहा है, तब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 में, सॉरी 6 में, बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए क्यों ये जो है, ये सब जो नंबर दोनों है कि कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना आपको। तो लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13, पहले इस पर आते हैं, ठीक है, कि क्या ये है, देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि 13 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो क्यों ना 13 को कॉमन ले लिया जाए। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 11 + 1। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से चला जाएगा 13 इसमें, फिर 13 इसमें मल्टीप्लाई होकर के 13 हो जाएगा। ओके, आगे समझ में, अब ये 13 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 77 हो जाएगा ना, +1, 13 × 78, इनको जब आप जोड़े 78 हो गया। तो अब देखना है कि देखिए 13 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये 1 से सिर्फ डिवाइड होगा और 13 से ही मात्र डिवाइड होगा। ओके, क्या ये 78 जो है प्राइम नंबर है या कंपोजाइट नंबर है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए 78 को अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं, 78 को आप अगर फैक्टराइजेशन करिएगा, टू टू थ्री जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा और 3 3 जा, इस तरह से हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग तुरंत किए थे, ठीक है, समझिए बात को। तो 13 × 2 × 3 × 13, अब देखिए ध्यान से, और × 1 भी कर सकते हैं आप। तो इसमें कितना नंबर है, 78 में कितना नंबर है, एक तो ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये भी है। तो इसमें देख रहे हैं कि 13 एकमात्र फैक्टर हुआ, 2 दूसरा हो गया फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर हो गया, 13 था शामिल, उसको ले लिया है, 1 भी, इसमें चार फैक्टर है, चार फैक्टर, तो इसका मतलब कि ये जो है आपका कंपोजाइट नंबर है, समझ रहे हैं ना बात को। 78 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो बहुत सारा नंबर से ये कट सकता है कि नहीं, 78 तो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये आपका कंपोजाइट नंबर हो गया। तो लिख दीजिए इस तरह से, द गिवेन एक्सप्रेशन हैज 2, 3 एंड 13, या 1 भी लिख सकते हैं, इतना ही लिख दीजिए काफी है, क्योंकि हमको तीन या तीन से ज्यादा दिखलाना था, हम दिखला दिए। आर इट्स फैक्टर दैट इज, देयर फोर लिख दीजिए, इट इज ए कंपोजाइट नंबर, ठीक है, क्लियर। आगे समझ में, अब इसी तरह से इनको भी चेक करके बताइए, कहाँ गया, इनको चेक करके बताइए कि क्या ये कंपोजाइट नंबर है। सेवन इंटू 6, 4, 3, 2, 1 + 5, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इधर और इधर दोनों में शामिल हो, यानी कॉमन, तो 5 ऐसा नंबर है, ठीक है। तो 7 × 6 × 5 तो निकल गया ना बाहर, तो 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3, 2 और इधर 1, ओके, समझ में आ रहा है ना, और प्लस ये 1 हो जाएगा, ताकि ये फिर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसमें शामिल हो जाएगा और फिर इसमें भी शामिल हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करिए कि 7 6 जा 42,
फोर थ्री जा 12, टू जा 24, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 यानी कि 5, ये आपका 1008 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 1। अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। ठीक है, अब ये 1009 जो है वो कैसा नंबर है, ये जो है ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइम नंबर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नहीं हुआ कंपोजिट। देखिए दोस्तों, 1009 यहाँ पर 5 है, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं इसमें इंटू 1। अब तो हो गया ना, एक तो 5, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसमें भी 3 फैक्टर तो हो ही गया। तो इसका मतलब कि ये भी जो है आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5, 1009 और 1, ठीक है, आर इट्स फैक्टर। दैट इज बहुत आसान, बहुत ही आसान था ये सब। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आसान क्वेश्चन होते जा रहा है। चलिए हो गया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। नहीं समझे, एक जो है स्पोर्ट्स फील्ड है, कैसा है, गोल, एकदम गोल है, सर्कुलर है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की का नाम हुआ होगा, वो उसी फील्ड को, उस फील्ड को एक चक्कर काटने में कितना वक्त लेती है, 18 मिनट। ठीक है, उसको पूरा एक चक्कर काटने में, मान लीजिए यहाँ से वो शुरू की, उसको यहाँ तक आने में कितना मिनट लगा, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट्स किसको लगा, सोनिया को। ये चीज़ आया समझ में। अब आगे है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि रवि एक लड़का का नाम हुआ होगा, उसको कितना वक्त लग रहा है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ इस जगह आने में, रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, यानी कि सोनिया से तेज दौड़ रहा होगा रवि। ठीक है, और फील्ड भी बड़ा रहा होगा ताकि 18 मिनट लग रहा है इसको पूरा एक चक्कर काटने में। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये दोनों, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि इसी पॉइंट से और उसी समय दोनों स्टार्ट किया। ठीक है, चलना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या रेस लगा रहा होगा। ठीक है, दोनों चलना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया उसी समय। अब रवि जो है आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि रवि थोड़ा सा तेज चल रहा है ना इसलिए, और सोनिया थोड़ा सा धीरे चल रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। अब देखिए जरा सोचिए कि ये जो है रवि इधर ऐसे गया, मान लीजिए यहाँ पर रवि रहा होगा तो यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर मान लीजिए सोनिया रही होगी तो यहाँ पर रवि रहा होगा, क्योंकि उससे वो आगे चल रहा है। तो ऐसा वो बार बार घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है राउंड को। तो फिर ये रवि एक ऐसा समय आएगा जो कि ये भी घूमते जा रही है, लेकिन वैसा समय आएगा जो कि ये दोनों जो है आपस में मिल जाएगा, और बोलेगा रवि कि अरे सोनिया अभी तक तुम यहीं पर हो, हम तो कितना चक्कर मार दिए, अब तुमको फिर से हम पकड़ भी लिए। ठीक है, तुमको हम हरा भी दे रहे और प्लस में तुमसे ज़्यादा चक्कर मार लिए। तो कितना, कौन से ऐसे टाइम में वो पहुँचेगा रवि और दोनों एक साथ आपस में मिल जाएगा कि हाँ, ठीक है, ये बताना आपको। तो यहाँ आपको हेल्प करेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे, एलसीएम बताएंगे, अभी बताएंगे। एलसीएम हमको लेना होगा किसका, एलसीएम लेना होगा इधर 18 का, 18 मिनट लग रहा है ना, और इधर 12 मिनट। ठीक है, इसका हम लोग को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा।
ठीक है। तो 2 × 3 × 3 12 का क्या हो जाएगा? 12। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको इस तरह से लिखिए, 2 × 3 का पावर 2, और इनको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3। अब देखिए इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 2 स्क्वायर बताए भी हैं, और इसका एलसीएम 3 स्क्वायर निकल जाएगा। तो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर का मतलब 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, यानी कि 36। ये क्या है, ये सब ये मिनट है, ओके, ये सब मिनट है, 36 मिनट। यानी कि इन दोनों जब से चला है ना, जब से चला है पूरा चलते जा रहा है, ये लोग दोनों चलते जा रहा है। तो जब घड़ी में स्टार्ट किए थे, यानी कि स्टॉप वॉच की 0 1 सेकेंड जब शुरू किए थे, चलते जा रहा था, तो हमने देखा कि 36 मिनट में ये दोनों एक जगह जा करके मिल गया, ठीक है। ऐसा में इस तरह से उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्या करना है, आराम से 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, ओके। और वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि 36 मिनट वहाँ में जो है मिल जाएगा, ओके। तो लिख लीजिए देयर फोर, ये कहाँ से लिखना होगा आपको, यहाँ से लिखना होगा, ठीक है, बुक से देख करके, कि रवि जो है, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग आफ्टर 36 मिनट्स। आगे समझ में, ये हो गया पूरा कंप्लीटेड 1.2 एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा हल्का कह सकते हैं कि कठिन भी है, लेकिन उसको समझ जाएंगे इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।